परमेश्वर सुबह सुबह के लिए मेरे को। सच में प्रभु जब तू हमारे जीवनों में आता है तो हमारे हालात बदल जाते हैं, तो हमारे लिए कोड़ों से छलनी हुआ प्रभु और जख्मों से तो हमारे लिए चूर हुआ प्रभु। पिता परमेश्वर तूने वो दुख प्रभु हमारे लिए उठाया प्रभु, वो सूली तूने हमारे लिए उठाई प्रभु, ताकि प्रभु हम जीवन पा सकें और बहुतायत का जीवन पा सकें। और आज सुबह में हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर की संतान हो। हमने अपनी माँ के गर्भ से जन्म तो लिया है, हम अपने माँ बाप के संतान तो हैं, परंतु बाइबल बताती है कि तुम परमेश्वर से जन्मे हुए हो। ओके, मेरे साथ में निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 47 पद कि जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बात सुनता है। आज सुबह में जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं वो सब किससे बिलोंग करते हैं? परमेश्वर से बिलोंग करते हैं। वे सब परमेश्वर से हैं। जब वे परमेश्वर से हैं तभी वो आज सुबह परमेश्वर का वचन क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। हमारा घर परिवार हमारी जात धर्म कोई मायने नहीं रखती, हम सब एक पिता के बच्चे हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, परमेश्वर है और हम सब उसके क्या है? बच्चे हैं। जो उसका वचन सुनते हैं उस पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं वे लोग परमेश्वर से हैं, वे लोग परमेश्वर से जन्मे हुए। ये पक्का मजबूत हो जाना चाहिए हमारे अंदर कि हम चाहे कोई भी थे, कुछ भी थे, अब हम क्या है? परमेश्वर की संतान है। हमारा बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, परंतु जिस दिन से हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया उस दिन से हम उसकी क्या हो जाते हैं? संतान हो जाते हैं। बाइबल बता दिया उसने हमें अपने खून से क्या कर लिया? खरीद लिया है, हमें उसने गोद ले लिया है। प्रभु परमेश्वर से, यीशु मसीह से अब हमारा ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है। उसने हमें खून से खरीद, हमारा रिश्ता क्या है? खून का रिश्ता है, बोली का, शब्दों का रिश्ता नहीं है। एक कारण है उसे पिता बोलने का, एक कारण है क्योंकि वो हमारा सच्चा पिता हो गया, क्योंकि बाइबल बता रही है कि उसने तुम्हें खून से खरीदा है। खून का रिश्ता रखते हैं, समझ रहे? तो जितने हम सब मसीह हैं, जितने परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, जितने पर उसके पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, जितनों ने उस पर विश्वास किया वो सब परमेश्वर की संतान हो गए, प्रभु यीशु मसीह की संतान हो गए, क्योंकि उसका और हमारा खून का रिश्ता बन गया। उसने हमें अपने खून से क्या कर लिया है? खरीद लिया है। परमेश्वर से अब हमारा भाषा का रिश्ता नहीं है, शब्दों का रिश्ता नहीं है, उससे हमारा खून का रिश्ता है। और जो खून का रिश्ता होता है वो कभी नहीं टूटता। परमेश्वर से जब हमारा खून का रिश्ता हो गया तो उससे अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, यहाँ तक कि शैतान भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कहा मेरे हाथ से कोई तुम्हें नहीं छीन सकता। तो आज सुबह में आप अपने मन में इस बात को बिठा लीजिए अपने पूरे जीवन भर के लिए, चाहे आपके जीवन में उतार आए चढ़ाव, परंतु तुम परमेश्वर की संतान हो, क्योंकि उसने तुम्हें क्या कर लिया है? खून से खरीद।